हेलो आईटी फैमिली, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ 2021 की रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और ये एना टॉड द्वारा लिखी गई आफ्टर सीरीज की तीसरी मूवी है। अगर आपने प्रीवियस दो मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब टेजा छोटी रहती है तभी उसकी माँ टेजा के फादर को घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो अल्कोहलिक रहते हैं। टेजा तभी अपने पापा के पीछे उन्हें रोकने के लिए जाती है पर वो नहीं रुकते। पर पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टेजा के पिता दोबारा टेजा के पास आ जाते हैं। टेजा उन्हें घर में ले जाती है और उनका देख रेख करती है, पर यह बात हार्डिन को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि टेजा के फादर फिर से उसे हर्ट कर देंगे, इसलिए वो उनके साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं करता है। हार्डिन टेजा को समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर टेजा कुछ नहीं कहती। टेजा के फादर हार्डिन को बताते हैं कि उन्होंने टेजा को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे बट उसकी मॉम ने उसे वो नहीं दी। और फिर वो कहते हैं कि मुझे बस एक और चांस चाहिए, वो अपने बेटी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। हार्डिन कहता है कि अगर तुमने टेजा को हर्ट किया तो बहुत बुरा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेजा लिंडन से बात कर रही है और उसे बता रही है कि जहां उसने इंटर्नशिप किया था वहां से उसे जॉब ऑफर आया है। तभी हार्डिन वहाँ आकर ये सुन लेता है। हार्डिन को इस जॉब ऑफर के बारे में टेजा ने नहीं बताया था। हार्डिन को ये पता चलने के बाद वो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो दोनों साथ में ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन जाएंगे। टेजा कहती है कि मैं ये जॉब ऑफर नहीं छोड़ सकती, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर वो हार्डिन से कहती है कि ये लाइफ तुम्हारी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो मगर मैं इस जॉब ऑफर को जाने नहीं दूंगी। अपसेट होकर हार्डिन घर आ जाता है तो वो देखता है कि टेजा के फादर कहीं जा रहे हैं, तो वो उन्हें लिफ्ट दे देता है और फिर उनके साथ बाहर आ जाता है। दोनों फिर दारू पीने के लिए अंदर जाते हैं और टेजा के फादर को हार्डिन टेजा की तस्वीर दिखाता है। तभी एक ड्रंक आदमी आकर टेजा के पिक देखकर गंदी कमेंट करता है। इससे हार्डिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मारना शुरू करता है। बारटेंडर हार्डिन के फ़ोन से टेजा को कॉल करता है, तभी टेजा वहाँ पर आ जाती है। हार्डिन का ये बिहेवियर टेजा को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में टेजा हार्डिन से पूछती है कि तुमने उसे क्यों मारा। वो कहता है कि वो तुम्हारे पिक देखकर गंदे कमेंट्स कर रहा था। फिर हार्डिन टेजा को सॉरी कहता है, उसके बदन को चूमना शुरू करता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे टेजा के फादर कहता है कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। टेजा उन्हें अपना नंबर देती है और कहती है कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहे। हार्डिन टेजा से फिर से जॉब के बारे में बात करता है पर टेजा कहती है कि मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ और मैं अब ये चेंज नहीं करूँगी। हार्डिन भी कहता है कि उस सिटी में उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और सिर्फ तुम्हारा मेरे लाइफ में होना इनफ नहीं है। उसे यह सुनकर टेजा को बुरा लगता है। टेजा फिर जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और सिएटल चली जाती है जहां वो अपने रहने के लिए रेंट पर रूम ढूंढ रही होती है। तो कैम्बरली उसे कहती है कि वो उसके साथ रह सकती है। कैम्बरली जो है अब वो वैंस की वाइफ है। टेजा को कैम्बरली से पता चलता है कि हार्डिन को भी जॉब ऑफर मिला था बट उसने मना कर दिया। टेजा जब हार्डिन से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि तुमसे बहुत पहले मुझे जॉब ऑफर मिला था बट मुझे वहाँ नहीं जाना था इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। हार्डिन के फादर और स्टेप मॉम ने एक ट्रिप प्लान की है जिसमें हार्डिन, टेजा और लिंडन भी साथ में रहते हैं। टेजा लिंडन से पूछती है कि क्या मेरा जॉब करने का डिसीजन सही है, तो लिंडन कहता है कि तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो करो, अगर हार्डिन तुमसे प्यार करता होगा तो वो कुछ दिनों में खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में टेजा हार्डिन के पास जाती है तो हार्डिन कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ये रिश्ता बनाए रखने के लिए जो भी हो सके मैं वो सब करूँगा। वो लोग जब लंच के लिए जाते हैं
तो वहाँ पर हार्डिन को एक पुरानी फ्रेंड मिलती है, पर टेजा को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वेटर ऑर्डर लेने आता है वो टेजा से थोड़ा ज़्यादा ही बातचीत करने लगता है। हार्डिन ये बात नोटिस करता है और फिर वेटर के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसे थोड़ा र्यूड बिहेव से उसके बातों का रिप्लाई देता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग शॉपिंग के लिए गए होते हैं, तभी टेजा और हार्डिन पूल में इंटीमेट होते हैं। तभी हार्डिन सोचते रहता है कि प्रीवियस टाइम जब टेजा इंटर्नशिप के लिए गई थी तो उसके कलीग उसे पसंद करने लगे थे और दोनों करीब आ गए थे। हार्डिन यही सोचते हुए फिर से टेजा से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग थी। टेजा कहती है कि हाँ, थोड़ी देर के लिए कभी कभी मैं उसके लिए कुछ फील करती थी। इस बात से हार्डिन को गुस्सा आ जाता है और वो पूल से निकल कर चला जाता है। टेजा घर में अकेले हो जाती है, वो सैड हो जाती है, इसलिए वो बाहर घूमने निकल जाती है। तभी उसे वहाँ वो वेटर मिलता है, उसका नाम रॉबर्ट है। वो टेजा को कहता है कि मैं और मेरे फ्रेंड एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, तो तुम वो ज्वाइन करना चाहोगी। टेजा ज्वाइन कर लेती है। बाद में सेम जगह पर हार्डिन भी वहाँ पर अपने दोस्त के साथ पहुँच जाता है। तभी वो टेजा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और तभी टेजा को पता चलता है कि जो उसकी फ्रेंड है उसे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। फिर भी वो हार्डिन से गुस्सा रहती है, इसलिए बाहर निकल जाती है हार्डिन को छोड़कर। तभी रॉबर्ट टेजा के पीछे पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कभी न्यूयॉर्क आओ तो मुझे कॉल करना, और उसे अपना फ़ोन नंबर पकड़ा देता है। अगली सुबह टेजा हार्डिन से मिलने के लिए आई होती है। तभी हार्डिन बहुत गुस्सा रहता है क्योंकि रॉबर्ट ने टेजा को जो नंबर दिया था वो कागज हार्डिन को मिल जाता है, इस वजह से वो गुस्सा रहता है। टेजा उसे समझाती है, समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, पर हार्डिन टेजा का नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें जो जॉब मिला है ना वो भी मेरे वजह से मिला है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें वैंस से मिलवाया था। हार्डिन कार में जाकर बैठ जाता है। हार्डिन के फादर इस चीज़ को नोटिस करते हैं और टेजा को कहते हैं कि तुम हार्डिन के लिए बेस्ट हो, जब तुम हार्डिन के साथ होती हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ें करता है। नेक्स्ट सीन में टेजा हार्डिन को बिना बोले जॉब के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन वैंस से मिलने के लिए आया होता है। वैंस उसे फिर से जॉब का ऑफर देते हैं, बट हार्डिन जॉब नहीं लेता और वैंस हार्डिन को कहता है कि टेजा को ये जॉब इसलिए मिला क्योंकि वो इस काम में बेस्ट है। हार्डिन को ये सुनकर अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन को अपने घर में एक नोटबुक मिलती है जिसमें टेजा ने लिखा था कि वो हार्डिन से कितना प्यार करती है, पर कभी कभी वो उसे अपने बिहेवियर से बहुत हर्ट कर देता है। वो उस पर ट्रस्ट करना चाहती है पर हार्डिन बार बार उसका दिल तोड़ देता है। हार्डिन को ये पढ़कर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुद के स्टडी और खुद पर मेहनत करना लगता है, और दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से बात नहीं किए होते हैं। उधर टेजा हार्डिन के कॉल का वेट करते रहती है और इधर हार्डिन उसके कॉल का। फिर आखिर में टेजा हार्डिन को कॉल कर देती है। तभी वो कॉल पर हार्डिन के साथ एक दूसरी लड़की की आवाज़ सुनती है और फिर कॉल कट हो जाता है, तो टेजा बहुत कुछ सोचने लगती है। तभी हार्डिन फिर से कॉल बैक करता है और कहता है सॉरी, वो मेरी जिम इंस्ट्रक्टर थी। नेक्स्ट दिन में टेजा कैम्बरली के साथ बैठी हुई होती है। तभी वैंस टेजा को बताता है कि हार्डिन की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा ही असर है। नेक्स्ट दिन में टेजा हार्डिन को कॉल करती है, फिर बातों बातों में कहती है कि अभी दोनों साथ होते तो क्या करते। फिर दोनों कॉल पर ही इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट दिन में हार्डिन जब सोया हुआ होता है तो वो एक सपना देखता है। वो देखता है कि रॉबर्ट और टेजा इंटीमेट हो रहे हैं। वो शायद इसलिए होता है क्योंकि दोनों अभी एक दूसरे से बहुत दूर है और हार्डिन टेजा को लेकर बहुत पॉजेसिव है, इसलिए नेक्स्ट डे ही हार्डिन टेजा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। हार्डिन टेजा से कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो और सॉरी कि मेरे बिहेवियर से तुम हर्ट हुई हो, और अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने लाइफ को अच्छा बनाने में पूरी मेहनत करूँगा। तभी टेजा हार्डिन के करीब आने लगती है तो हार्डिन को सपना याद आ जाता है, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लगता और हार्डिन बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता है।
नेक्सिन में कैम्बरली टेजा को कहती है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर नेक्सिन में हम देखते हैं कि हार्डिन जिम में बॉक्सिंग करते रहता है, वो भी रात के 2 या 3 बजे। टेजा आवाज़ सुनकर वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो हार्डिन अपने सपने के बारे में टेजा को बताता है। तो टेजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और कहीं नहीं जा रही, और फिर उसे कहती है कि मेरे साथ तब तक इंटीमेट हो जब तक तुम उस सपने के बारे में नहीं भूल जाते, और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट दिन में टेजा कहती है कि हमने बिना प्रोटेक्शन के ये किया, इसलिए अब से मैं पिल यूज करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग कैम्बरली टेजा से पूछती है कि क्या तुम हार्डिन के मदर के मैरिज में जाने वाली हो। टेजा को इस बारे में पता ही नहीं होता, तो हार्डिन से कहती है। तो हार्डिन कहता है कि मैंने खुद डिसाइड नहीं किया तो तुम्हें कैसे बताता। फिर हार्डिन कहता है कि अब हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। तो वो फिर अपने घर चले जाता है। घर का दरवाज़ा खुला रहने की वजह से उसे लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। तो वो देखता है कि अंदर और कोई नहीं, टेसा के फादर है। वो चोटिल होकर ड्रंक होकर वॉशरूम में पड़े हुए रहते हैं। तो हार्डिन उनका ख्याल रखता है। टेसा जब पिल्स लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप कराती है, तो उसे पता चलता है कि वो माँ नहीं बन सकती। टेसा को यह सुनकर बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट दिन में हार्डिन अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर सिएटल में शिफ्ट करना चाहता है। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बस कुछ महीनों की बात है, अभी चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट वीकेंड पर हार्डिन फिर टेसा से मिलने जाता है और टेसा से कहता है कि मैं 2 महीने तक तुमसे नहीं मिल सकता और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये बात सुनकर टेसा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में वैंस और हार्डिन बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तभी वैंस हार्डिन को कहता है कि शादी किसी के लाइफ को चेंज कर देती है, और तुम्हारे मदर ने अपने लिए जब कोई पार्टनर चुना है तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और फिर कहता है कि तुम और टेजा अभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। फिर नेक्स्ट दिन में हार्डिन खुशी खुशी टेजा को लेकर अपने मदर के पास चला जाता है। हार्डिन की मॉम ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी हार्डिन को एक कॉल आता है, तो हार्डिन वहाँ से साइड होकर बात करने चला जाता है। बट टेसा ये सुन लेती है कि वो उसके फादर से बात कर रहा है और सुन लेती है कि वो अभी उनके घर में ही है। और तभी उसे पता चलता है कि हार्डिन उसके फादर का ख्याल रख रहा है, जो कि टेसा को बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट नाइट हार्डिन और टेसा जब सो रहे होते हैं तो हार्डिन को नीचे से कुछ आवाज़ आते रहती है। तो वो नीचे देखने जाता है, तभी वो देखता है कि वैंस और उसकी मदर इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देख हार्डिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वैंस पर चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि कैम्बरली तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वैंस उनसे समझाता है पर हार्डिन इतना गुस्से में रहता है कि वैंस पर हाथ उठा देता है। तभी टेजा भी आवाज़ सुनकर नीचे आ जाती है। हार्डिन की माँ उसके कहती है कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टेजा हार्डिन को लेकर ऊपर जाती है। हार्डिन रोते हुए टेजा को गले लगा देता है। नेक्स्ट डे टेजा हार्डिन को लेकर शादी में जाती है। शादी होने के बाद वैंस हार्डिन को कहता है कि कल रात के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उधर कैम्बरली को भी रात के बारे में पता चल जाता है, तो टेसा उससे बात करने जाती है। कैम्बरली कहती है कि मुझे सब पता है और मैं वैंस से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती। उधर हार्डिन एक बार में वैंस से बात करने जाता है, जहाँ वैंस कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ बहुत पहले से साथ है और तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता। हार्डिन ये सब सुनकर डिस्टर्ब हो जाता है और बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। इधर कैम्बरली भी टेसा को ये बात बताती है, तो टेसा हार्डिन की तरफ चल पड़ती है और हार्डिन टेसा की तरफ। फिर टेसा हार्डिन को गले लगा लेती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मूवी में हमने देखा है कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते और झगड़ते भी रहते हैं, पर दोनों को सुकून भी एक दूसरे के बाहों में ही मिलता है। तो दोस्तों बताएं कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और आप मुझे से इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे इस मूवी के लिंक्स ले सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आप लोगों को और क्या चाहिए मुझे ज़रूर बताएं। लाइक किसी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कमेंट करें, या फिर किसी नॉवेल की ऑडियो बुक चाहिए तो वो कमेंट करें। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।